Good morning, students. Welcome to your English class. In our yesterday's class, we have discussed question answers and we have also formed three questions from the poem teamwork and we have also written the answers too. Now, we are going towards the picture composition. Now, you can see that this is a picture where a house is being built, okay, and different people do different piece of work. You can see that someone is painting the wall, someone is building the wall, someone is making door for the house, and someone is providing electricity connection in the house. So in this picture you can also find that everyone is joined their hands together to make or to build the house. So in EVS class of class 2 and class 3, you know that different people do different piece of work for their livelihood. Okay, so here we find different persons doing different works. And altogether their work's final result will be building the house. So यहाँ पर भी हम लोग टीम वर्क का एक आभास हमें मिलती है ना. यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये पूरा घर को बनाने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम किया है और इन लोगों के पूरा काम को अगर हम कुल मिला देंगे तो इसका रिजल्ट और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक सुंदर सा घर बनाना है ना. सो ये भी एक टीम वर्क का ही एग्जांपल है. तो चलिए देखिए, प्लम्बर, पेंटर, मेशन, इलेक्ट्रिशियन, लेबरर, कारपेंटर एंड गार्डनर. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट different people are doing different piece of work. Now tell me, who is a plumber? Plumber is a person who repairs your taps and pipes. Okay, water carrying pipes. So who is a painter? One who paints the wall or one who makes beautiful paintings. He is a painter, you know. Mason. Mason, who is a mason? Now tell me. Yes, the mason is a person who builds the house. Okay, हम जिसको राजमिस्त्री कहते हैं, ठीक है ना. इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन इज़ अ पर्सन हु कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हाउस. ठीक है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी, हर एक कमरे में इलेक्ट्रिसिटी रहना जरूरी है और हर एक कमरे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, उसको मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कनेक्ट करना हर एक रूम को, ये सब इलेक्ट्रिशियन का काम होती है. आपको पता है, आपके घर में भी या अगल बगल में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सारे काम करते हैं, है ना. नाउ द लेबरर, लेबरर इज़ द पर्सन हु हेल्प्स टू गेट द वर्क डन. वो क्या करता है, वो मदद करता है हर एक काम को आगे बढ़ाने के लिए. ओके, नाउ द कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है बेटा? वन हु डूज वुडन वर्क्स. एवरी वुडन वर्क इज डन बाय द कारपेंटर. नाउ गार्डनर, गार्डनर इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन और टीनी प्लांट्स. बट हियर वी कैन सी द गार्डन. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस. Who is laying the bricks? Now tell me, who is laying the bricks? इसका आंसर हो जाएगा, the mason is laying the bricks. Who is holding the ladder? Ladder का मतलब होता है सीढ़ी. सीढ़ी को कौन पकड़ कर रखा है, जरा अंदाजा लगाइए. क्या ये प्लम्बर होता है? नो. क्या ये पेंटर होता है? नो. मेसन होता है? नो. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिशियन? नो. यस, इट्स द लेबरर हु होल्ड्स द लैडर. सो यहाँ पे लिखना है, द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर. हु इज द मैन ऑन द लैडर? जो लैडर के ऊपर खड़ा हुआ आदमी वो कौन है? नाउ द पर्सन हु इज ऑन द लैडर इज द इलेक्ट्रिशियन. नाउ हु इज मेकिंग द डोर? टेल मी, हु इज मेकिंग द डोर? सो द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर.
Done. Now move towards the next. Who is painting the wall? So it's your turn. ये आंसर आपको खुद से लिखना है. ओके, नाउ मेकअप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर. गिव नेम्स टू पीपल. राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क. नाउ अभी आप लोगों को एक स्टोरी बनानी है. कैसे? ये जो पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं उनको नाम देना है और वे लोग मिलजुल कर कैसे टीम वर्क को आगे बढ़ाते हैं. सारे बच्चे स्टोरी को अपनी भाषा से प्रस्तुत करेंगे, उसका ऑडियो बनाकर ग्रुप में भेजेंगे. आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू वेरी मच.